हाँ ये छोड़ देंगे। और बेटा कैमरा ऊपर कनेक्शन ऑन किए नीचे कनेक्शन नहीं ऑन किए फेस छिपाते हैं, फेस छिपाने से क्या होगा? एवरीबॉडी स्विच ऑन योर कैमरा। ओके बट स्विच ऑन योर कैमरा। सर हम फोटो भेज दिए थे। समझी? कैमरा ऑन करो। सर हम फोटो भेजे थे। हाँ हाँ बेटा तुम तुम्हारा देखे थे सही था, तुमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया था। वैल्यू किए अभी बेस्ड क्वेश्चन था उसमें। गुड अभी मॉर्निंग सर। कोई किया हो तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमको दिखाए। सारा हो गया तो दिखाए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिखाओ। कौन दिखाएगा? श्रेयांश। श्रेयांश। दिखाओ। यस सर। खाली श्रेयांश दिखा रहा और कोई नहीं दिखा रहा है। क्या नाम इसका? वैष्णवी, मन्नत, मयंक, आराध्या, अंकिता, कैसे हो? तुम करेगा गुड मॉर्निंग सर। विवेक कहाँ गया? हेलो मन्नत यार या क्या क्लास नाम में नहीं श्रेयांश? ऐसा है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग करो फिर इसके बाद आंसर बताना और बाकी लोग को म्यूट कर रहे हैं हम। श्रेयांश वैल्यू बेस्ड है। क्वेश्चन रीड करो, बाकी लोग कोई नहीं बोलेंगे। श्रेयांश रीड करो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नेहाज बर्थडे। नेहाज बर्थडे। She wants to celebrate in a ए सुनो in a different way. She नो is second to birth. ए Yes sir. लिसन करके हिंदी भी बताते जाइए, हिंदी बता कीजिए। आज नेहा का बर्थडे है। हाँ हिंदी बताते जाइए और वो अपना बर्थडे पढ़िए। कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी से तो स्टार्ट वो करो, अपने फिर से स्टार्ट करो, फिर से बेटा टुडे स्टार्ट इज करो। नेहाज बर्थडे। आज नेहा का बर्थडे है। शी वांट टू सेलिब्रेट इट इन अ डिफरेंट वे। वो अपने बर्थडे को डिफरेंट ही अलग तरीका से सेलिब्रेट करना चाहती थी। शी स्पोकन टू हर पेरेंट्स एंड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट फ्री गिफ्ट टू द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फ्री एन गिफ्ट फ्री गिफ्ट द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फेन 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 नियर जिसको हाउस बोलते हैं सर सर। जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं। हाँ ऑर्फेन मीन्स यहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। तो वो अपने मम्मी पापा को बोले कि मैं अपने बर्थडे को अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। तो उसके मम्मी पापा बोले कि हम कि अनाथ बच्चों को फ्री गिफ्ट देंगे। नेहा कितने रुपीस का गिफ्ट उसने किया? 3,360 का गिफ्ट सेलिब्रेट डिस्ट्रीब्यूट किया उसने? 3,360 सर। थ्री थाउजेंड कितने बच्चों में? अब देखो क्वेश्चन आ रहा है। ओके
सर 32 चिल्ड्रन दिख रहा है सबको? यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन किया कितने रुपीस का? 3,360 रुपीस। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 32 चिल्ड्रन इन एन ऑर्फेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट? अगर ऑर्फेज में 32 बच्चे हैं तो ईच गिफ्ट कितने का होगा? सर 105। रुक जाओ, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल अमाउंट एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट। अरे तो 5 होगा एक गिफ्ट का। कैमरा, बाकी बच्चे कैमरा नहीं ऑन किए, नहीं लग रहा है, सबको कैमरा ऑन रखो। क्या नाम है इसका? मतलब के नीचे सर कुसंत वैष्णवी मेघ केशव, कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? हाँ वेरी गुड, केशव कैमरा ऑन करो, वैष्णवी कैमरा ऑन करो, वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट इज 105।
वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट इक्वल टू 105। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट बर्थडे? I celebrate my birthday. I would like to celebrate my birthday. I celebrate with my parents. One by one, one by one. I celebrate my birthday. It's I celebrate with my parents. कौन बोल रहा है ये? सर विवेक। विवेक बोल रहा है? Yes. हाँ विवेक बोलो। आई सेलिब्रेट माय नेक्स्ट बर्थडे इट्स आई सेलिब्रेट विद माय पेरेंट्स। ओके आई सेलिब्रेट माय बर्थडे विद माय पेरेंट्स, यही ना? सर नेक्स्ट बर्थडे। हाँ नेक्स्ट बर्थडे विद माय फैमिली मेंबर्स बोल दो। ओके सर। ठीक है सर। लास्ट वाले क्या होगा? सजेस्ट टू डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे बाय हेल्पिंग अदर्स एंड बी प्राउड दैट माय बर्थडे आई गो ओल्ड एज प्लेस आई सेलिब्रेट माय बर्थडे आई गो टेंपल। रुक जाओ कॉपी दिखाओ जरा। रीडिंग फिर से करो। रीडिंग हाँ कॉपी दिखा कॉपी रीडिंग करो। क्या आई सेलिब्रेट माई बर्थडे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे आई गो ओल्ड एज प्लेस ओल्ड एज प्लेस। ओके और आई सेलिब्रेट माई बर्थडे आई गो टेम्पल। ठीक टेम्पल में तो हर बर्थडे पे जाना चाहिए। और कुछ भी कर सकते हैं इसके अलावा बताइए। आई गॉट टू गिफ्ट। कोई और बता सकता है कुछ और कोई और आंसर? चलो विवेक तुम्हारे अलावा कोई और देखते हैं कोई बताएगा। कौन बताएगा? जो बताएगा क्लॉथ बुक्स ब्लैंकेट मिसिंग अंजल बताओगे? आई विल गो टू टेंपल एंड गिव पुअर चिल्ड्रन क्लॉथ बुक ब्लैंकेट ब्यूटी बैलून। और कौन बताएगा? अरे यहाँ तो ऑर्फेंज में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको पूछ रहा है डिफरेंट वे में पूछना है। डिफरेंट वे में तो उसने बताया ठीक है। ओल्ड एज होम गो टू ओल्ड एज होम एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे वहाँ पे? मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लॉथ बुक ब्लैंक सर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स एंड जैकेट्स। कौन बोल रहा है ये? सर क्लॉथ सर दिस इज योर न्यू क्लॉथ। चलो वैष्णवी बोलो क्या बोल रही हो? गिविंग न्यू क्लॉथ। गिविंग क्लॉथ यस सर न्यू क्लॉथ हम लोग पहन सकते हैं। क्लॉथ होगी पुअर पीपल डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ इन ठीक है इन पुअर पीपल। और बोलो सर बाय हेल्पिंग पुअर पीपल। यहाँ पे हेल्प नहीं करना है बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। सर आई विल गो टू टेंपल एंड गिव टू पुअर पीपल क्लॉथ बुक ब्लैंकेट। हाँ ठीक है
जिसको जैसी आइडिया है कर सकता है। घर पे तो सेलिब्रेट आप लोग कर ही लेंगे अपना पार्टी। Suggest the two ways in which you can celebrate. We can celebrate next birthday सर बोर्ड के लिए देखो लास्ट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट क्लास डिमांड पुअर पीपल ठीक है गरीबों में कपड़े बांट देंगे गो टू और डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक एंड डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ दे सकते हैं मेडिसिन डन नोटबुक मेडिसिन दे सकते हैं आप ब्लैंकेट दे सकते हैं ठीक है ओल्ड एज होम जाके आप जो मन चाहे दे सकते हैं गरीबों में कपड़ा बांट दीजिए और ओल्ड एज होम जाके मेडिसिन दे दीजिए ब्लैंकेट दे दीजिए और क्या दे सकते हैं फूड दे दीजिए और क्या देंगे बेड देना है बेड दे दीजिए बहुत कुछ दे सकते हैं अपने घर का बेड दे दीजिएगा नहीं दोगे टॉफी जाके दे देना टॉफी तो दे ही देना यार मेडिसिन दे दो सबसे ज्यादा मेडिसिन है मेडिसिन दे सकते हैं फैन दे सकते हो बहुत देने के लिए समझ जाओ दान दक्षिणा की कोई सीमा नहीं जितना दान करेंगे उतना अच्छा होता है पुण्य होता है अगर आप कैपेबल है तभी दान करिए ऐसा नहीं है अगर आपके पास बहुत धन है तो आप दान करिए और अच्छी जगह दान करिए आगे चले ब्रेड ब्रेन टीजर देखो ब्रेन टीजर सबका हो गया यस सर मेरा पहला तो बहुत आसान है कि ब्रेन टीजर पहले में तो बस आंसर करना है टिक द करेक्ट आंसर सर ब्रेन टीजर से क्वेश्चन पूछिए हाँ अपने बच्चे को सॉन्ग भी बजा सकते हैं टू प्ले सॉन्ग हाँ दे सक कर सकती हो अपने तुमको जो लेवल से आया वो तुम वो दान कर सकती हो चलो बेटा ब्रेन टीजर पे आ जाओ ब्रेन टीजर में फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर
डजन इन 264 क्या होगा? 22 डजन. कैसे आया सर? 22 सर. कैसे डिवाइड किए हो? कितने नंबर से डिवाइड किए हो? कैसे डिवाइड किए हो? 22 आएगा ना जी? Yes, sir. 10. Yes, sir. 2 lakh into is equal to 10 lakh, 20 lakh. Cut. क्या होगा? 2 lakh multiply by 10 is equal to 20 lakh. 10. अच्छा, one करोड़ में कितने लाख होते हैं? Sir, 100. 1 करोड़. Sir, 100 lakh. कितने लाख होंगे? 100 lakh. Do not sleep during class time. कौन बच्चा लेटा हुआ है? ये कौन है? सर, अगर किसी और का भी बर्थडे होगा हम लोग बर्थडे के दिन, तो उन लोग की शादी को मना सकते हैं। क्या कर रही है? सर, जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन किसी और का भी अगर बर्थडे होगा तो उन लोग की शादी को मना सकते हैं। हाँ, कर सकती है। चलो आ जाओ, 7 × 3 × इसको इरेज कर दे, हो गया। सर, 21 दीजिए। 21 इरेज कर दे। सर, इरेज कर दे, तुम्हारा फोटो दिख रहा है हमको। लिख लिए? यस सर। कोड इज नॉट क्लियर। अहराम अहराम लिख लिए? इरेज कर दे? यस सर। आराध्या कुमारी? यस सर। बच्चे बच्चे ने अभी भी कैमरा नहीं ऑन किया। सर, आप दिख रहा? शाश्वत, नोट कर लिए? यस सर। रेस कर दे बेटा। यस। चलो, हम लोग क्या करेंगे? ब्रेन टीजर। सर, ब्रेन टीजर मेरा बना हुआ है। कैमरा ऑन रखिए। ब्रेन टीजर में आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड लगा दिया, थर्ड का क्या होगा? सर, थर्ड का 21। थ्री सर, थर्ड का 21। थर्ड का क्या है क्वेश्चन? 7 × 3 × 0 × 5। सर जीरो क्योंकि जीरो लग गया, इसी के लिए जीरो होगा। हाँ, ठीक है। डी का क्या होगा? डिविडेंड कितना है जी? 24। ओ, डिविडेंड निकालना है। डिवाइजर दिया है, कोशेंट दिया है, रिमाइंडर कितना होगा जी? सर, 24 Right, teacher.
डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस स्पेंडर ठीक है यस सर क्वेश्चन नंबर टू करके जल्दी से दिखाओ हम लोग अब जल्दी से दिखाओ हम लोग देखो दो बच्चे दिखा रहे हैं अभी किए हो सर अभी को नहीं किया लग रहा है पहले का कॉपी दिखा रहे हो तुम नो सर अभी तो आप होमवर्क दिए थे ब्रांड इधर वो ब्रांड इधर अभी किए है अभी किया आपने की बात है पूरा कर लिया है जी सर यस टू के बाद थ्री करिए सर थ्री हो गया सर ये सब होमवर्क था वेरी गुड फोर भी हो गया है यस सर इसलिए आंसर सब हो गया है बाकी कितना नहीं हुआ है बारह सारा क्वेश्चन हो गया है ब्रेंट टीचर सर मेरा भी सारा हो गया है ब्रेंट टीचर सर मेरा भी हो चुका है अब गर्ल्स पे किसी का नहीं हुआ गर्ल्स वैष्णवी तुम्हारा नहीं हुआ चलो ठीक है विवेक और श्रेयांश मयंक तुम्हारा हुआ है मयंक यस सर पूरा कॉपी कंप्लीट है दिखाओ जरा सर बना रहे हूँ बनाओ जल्दी से
सेकंड थर्ड जो भी जल्दी से बना, सेकंड में दो ही तीन क्वेश्चन बना के दिखाओ। और कोई एक कॉपी दिखाए अपनी। हो गया वैष्णवी, अरे आइकन सर उत्तम कुमार हो गया। कैमरा पत्र को सबको फेस दिखना चाहिए। सर होमवर्क तुम्ही बाबू किए और सब तो किए ही नहीं पूरा काम अभी तक। वैष्णवी क्या खा रही बेटा? क्लास के बाद खा लेना। कॉपी दिखाओ वैष्णवी। अनम्यूट करो अपने को वैष्णवी। कॉपी दिखाइए। हाँ वैष्णवी वेरी गुड। रुक जा वैष्णवी, तुम्हारा कॉपी बोल्ड कर दें। हाँ तुम्हारा अच्छा है। रुक जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। सब कोई देखो इसकी कॉपी कितनी अच्छी लिखी है, कितना अच्छा साफ साफ लिखी है। ये जो बच्चे नहीं कर रहे कम से कम दूसरे कॉपी तो देखें। टाइम वेस्ट ना करो अपना, ऑलवेज डू योर वर्क, डू वर्क। खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। देखिए अच्छा है। और देखो आगे वैष्णवी, और भी किया है वैष्णवी तुमने? क्वेश्चन नंबर टू है ना वैष्णवी? और कोई दिखाएगा वैष्णवी के बाद? दिखाई से क्या है वैष्णवी शर्मा, आप दिखाएंगी? वैष्णवी शर्मा आप कॉपी शो करिए। कॉपी दिखाइए, कॉपी। Thank you.
कॉपी दिखाओ वैष्णवी शर्मा। ये कौन है? पलक पराज कुमार। अक्ष सौम्या फोन नंबर 2 4B। कॉपी दिखाओ बेटा। अब इसको कंप्लीट कर लो, टाइम बेटा ओवर हो रहा है। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या बताएं बेटा, अब आगे स्टार्ट करने से पहले इन लोगों का कंप्लीट हो जाए तब ना। अभी तो फिलहाल यही रहने दो, इसी को रिवाइज कराएंगे कल फिर एक बार। हाँ ये कल उल्टी कॉपी दिख रही है। एक कौन बच्चा है? वैष्णवी शर्मा। कॉपी सीधी दिखाओ, कॉपी बेटा सीधी करो। खाली तुमने एक क्वेश्चन किया है अभी तक, बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं किया? सर हाँ बेटा करेंगे, तो लेट तो ना लगेगा। कल चलो टेस्ट ले लेंगे। सर कौन से चैप्टर का? अरे यही सब चीज का लेंगे ना जी, जो पढ़ाए हैं और क्या। ठीक है सर, ले लेंगे। ओके और कॉपी कंप्लीट करिए आप लोग। ओके टाइम ओवर, बाय बाय सर। बाय ठीक है बेटा, बाय। Bye.